नमस्ते, मेरा नाम सुहेल सैयद है और मैं गोवा राज्य का रहने वाला हूँ। मेरे विषय अनुसार मैं तीन चीजों पर रोशनी डालना चाहूंगा। पहला, राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ता भ्रष्टाचार। और तीसरा, युवा पीढ़ी का समर्थन। आजादी के बाद हर एक क्षेत्र में बदलाव आते गए, अनेक अनेक प्रकार के बदलाव आए, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई बदलाव नहीं आया, वो है हमारा राजनीतिक क्षेत्र। मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा, अगर हमारी एक कंपनी है और एक कंपनी में एक ऊंचे पद के लिए हमें एक व्यक्ति को चुनना है, तो हम किसे चुनेंगे? एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास मामूली सी ग्रेजुएशन की डिग्री हो, और एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास मास्टर्स की डिग्री है। बिना कोई संदेह करें, एक मास्टर्स की डिग्री वाले को। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि उसके पास उतना ज्ञान है जिससे हमारे कंपनी को फायदा होगा। जब यह बात हमारे राज्य के, हमारे देश के बारे में आती है, तब हम सब ये सब भूल क्यों जाते हैं? हम सब मिलकर एक ऐसे आदमी के हाथों में हमारे राज्य की, हमारे देश की भाग दौड़ सौंप देते हैं, जिनके हाथों में हम हमारी कंपनी का एक मामूली सा पद भी ना दें। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे एक राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐसा बदलाव आए, एक ऐसा नियम आए, एक ऐसा कानून आए जो साफ साफ यह कहे कि अगर तुम्हारे पास उतना ज्ञान नहीं है तो तुम ना मुख्यमंत्री बन सकते हो ना ही प्रधानमंत्री। जब तक तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, तब तक तुम उस पद के काबिल नहीं। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तभी तुम्हें जनता से भी प्यार मिलेगा और तुम उस पद के लिए लायक कहलाओगे या फिर नहीं। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ता भ्रष्टाचार। एक माँ बाप अपने बच्चों को यह क्यों कहते हैं कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और ऐसे क्यों नहीं कहते कि तुम राजनीति में जाओ, देश के लिए मेहनत करो, देश का नाम रोशन करो, ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि वह भली बातें जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार है कि कल वो किसी की जान भी जा सकती है। हमें, हम सबको यह भली बातें मालूम है, फिर भी हम सबके होंठ सिले रहते हैं। क्यों? क्यों हम इन चीजों पर बात नहीं करना चाहते? क्यों हम आगे नहीं बढ़ना चाहते? जिस दिन हमारे देश से, इस राजनीतिक क्षेत्र से भ्रष्टाचार चला जाएगा, उस दिन सही मायनों में हमारा देश आजाद कहलाएगा। तीसरी बात, युवा पीढ़ी का समर्थन। हम सब कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है। अगर युवा पीढ़ी सही मायने में हमारे देश का भविष्य है, तो वह राजनीतिक क्षेत्र में क्यों नहीं है? हमारे देश में कुल 55% युवा है, पर फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में बस कुल 6%। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? यह सवाल उठाना पड़ेगा, हम सबको मिलकर यह सवाल उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सह लिया हम लोगों ने, अब हम चुप नहीं बैठ सकते। युवाओं का समर्थन हमें करना पड़ेगा। मैं कुछ चंद पंक्तियां कहकर इस भाषण को समाप्त करना चाहूंगा। अंबर पे रहे रोशन ये सदा, मेरे देश का ध्वज लहराता रहे, चाहे जो भी करना हो कर लो, मेरा देश हमेशा प्रथम रहे। ये देश मेरा आजाद वतन, यहाँ अनेक धर्म के वासी है, हमें गर्व तो है इस बात का कि हम सारे हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत।